राम द्रवक आत्मा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक हो। और मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत। तो आज बनाया है सिस्टर ने एग से, एग के स्लाइसेस करके शोरबे में ऐड करके। किस को ऐसा सारे पसंद है और किसी ने बनाया भी है या नहीं? तो हाँ, आज आपको पसंद है सही जो है वो एग को कर दिया और ये शोरबे में ऐड कर देंगे। सिंपल शोरबा जैसे हम मसाला भून के बनाते हैं, मसाला भून के और फिर इस तरह नमक मिर्च डाल के अंडे में, और इस तरह से पैदा से शोरबा तैयार कर लिया मसाला भून के, और इसके बीच में अब हम ये ऐड डाल देंगे। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे सारा। बहुत ही ज़्यादा, अभी मैंने कभी खाया तो है नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही खाऊंगी। ऐसे अक्सर लोग बनाते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा चलो आज खा के ट्राई करूंगी। ये रेसिपी देखी थी या वैसे ही बनाया है? नहीं, ये बनाते रहते हैं। बनाते रहते हैं सही। तो मेरी भाभी जान के घर में बनता है ऐसा सारा अक्सर। मैं भी खा के ट्राई करूंगी कि कैसा लगता है। इसमें आलू भी डाले हैं? अच्छा तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से सालन, नमक मिर्च का अंडा और मसाला। हर लिहाज से इंसान को कुकिंग जाना। और दूसरी तरफ बनाया है कस्टर्ड मुझे चोट लगने की खुशी में। ये बनाया है रीबा ने, पता नहीं अब कैसा बनाया होगा। मम्मा बहुत टेस्टी बनाया। अच्छा चले देखते हैं खा के। और अब बनने लगी है रोटी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम फातिमा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। और दो दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी टांग पे जो है वो चोट लग गई थी, मैं बेड रेस्ट पे थी, इस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ और हॉस्पिटल में भी व्लॉग नहीं बना पाई, और मोबाइल भी मेरा टूट गया था, वो भी अब ठीक करवाया है। और मैं सलूट करती हूँ उन लोगों को जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी व्लॉग बना लेते हैं हॉस्पिटल में भी। और मुझे तो इतनी पेन थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मैं तो व्लॉगिंग का दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अपना व्हील चेयर पर थी और व्हील चेयर पर मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा था। सिस्टर वगैरह थी, भाई थी, सब थे। तो उस टाइम क्या इंसान व्लॉगिंग करता और क्या किसी को बताता कि भाई मेरी मुझे चोट लग गई है इस तरह से और ये कंडीशन है। तो आज दो दिन के बाद मैं आई हूँ और बस ये है कि बस ये दवाइयों का ये मेडिसिन खा रही हूँ। अब जो है काफ़ी हद तक आराम है मुझे, और ये हॉस्पिटल वालों ने मुझे दी थी और ये अबू ने मुझे ला कर दी थी मूव, ये भी लगा रही हूँ। तो काफ़ी हद तक जो है मूव कर रही हूँ। और बाकी आप सबसे दुआ है कि आप सब दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और ऐसे बच्चे होने चाहिए कि मामा को चोट लगी हुई है और आप जो है डांस कर रहे हैं, हद हो गई गाजियान। और शुक्र है अबू ने मुझे, अबू के घर आई तो अबू ने काफ़ी फल भी ला कर दिए, काफ़ी जो करते होते हैं माँ बाप। और भाभी ने भी मेरा काफ़ी ध्यान रखा, छोटी सिस्टर ने ध्यान रखा मेरा, और अब काफ़ी जो है काफ़ी हद तक आराम है मुझे, शुक्र है अल्लाह ताला का। हाँ जी आपने भी ध्यान रखा था मेरा, ख्याल रखा था मेरा, और अब जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर है पेन भी। और जो है एक्स्ट्रा भी आपको दिखाती हूँ मैं करके, एक्स्ट्रा भी करवाया था मैंने और काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा भी जो है वो ठीक आया है, शुक्र है अल्लाह का। अब कुछ दिन तक जो है वो आराम आ ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरे घुटने का एक्स्ट्रा है बेबी, ठीक हो गई हूँ ना मैं। अब मैं आपको मार भी सकती हूँ। नो बेबी गाजियान, डोर क्लोज करो बेटा, चलो राइस खाओ, इधर आओ गाजियान,
तो इसके साथ ही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब कह रही हूँ दो दिन के बाद, अल्लाह हाफिज़।